हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन स्टडीज़। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे चैनल एवन स्टडीज़ पे डेली की आपको 2 से 3 वीडियो मिलती हैं, चाहे वो रीजनिंग की हो, कंप्यूटर सेक्शन हो, या फिर कोई हरियाणा जीके हो, तो मैं ये चीज़ कंटिन्यू रखूँगा और कंटिन्यू का इवन मैं ये 2 से 3 वीडियोज़ को की बजाय आपको 4 से 5 वीडियो देने की भी ट्राई करूँगा, अपनी बेस्ट दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को। और अगर आपको नहीं अच्छी लगती या कोई प्रॉब्लम लगती है कि मैं किसी चीज़ में लैग कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सजेशन दीजिए अपना कि मुझे किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और जैसा कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि हमें सर इस सब्जेक्ट का सिलेबस बता दीजिए, तो आज मैं यही सोच रहा हूँ कि आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको बता दूं कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ये नाम से ही पता चल रहा है और हम सब जानते हैं एंटोनिम्स में होता क्या है। कोई एक शब्द है, वर्ड दिया होगा, उसका विपरीतार्थक बताना है, जो हिंदी में बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द, कि उसका उल्टा बताना, अपोजिट बताना है कि वो क्या होते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है सिनोनिम्स। ये भी हम सबको पता ही है, सेम वर्ड मीनिंग बताना होता है, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना होता है। कोई एक वर्ड दिया होगा, जैसे कॉमन है तो इसका सिनोनिम्स होगा टिपिकल। स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक में क्या होगा, एक वर्ड दिया होगा, उसकी हमने स्पेलिंग चेक करनी है कि कौन से वाली स्पेलिंग करेक्ट होगी। वॉइस, वॉइस में आएंगे आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। स्पोर्टिंग एरर, इसमें क्या होगा, एक लाइन में एक कोई वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे या फिर कुछ भी लगा लो कि एक वर्ड में हमें एरर स्पोर्ट करना है, एरर फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या होगा कि एक सेंटेंस दिया होगा हमें, उस सेंटेंस में हम इन्होंने जितने जो ऑप्शन दिए होते हैं ABCD, उसमें से बताना है कि सेंटेंस को कौन सी सेंटेंस से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर क्या करते हैं, एक सेंटेंस के अंदर एक या दो वर्ड्स के को अंडरलाइन कर देते हैं, उस अंडरलाइन वर्ड की जगह हम कौन सा वर्ड यूज करें जिससे वो उस सेंटेंस की इम्प्रूवमेंट हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये आप सभी को पता है कि अनेक शब्दों का एक शब्द, जो हिंदी में पढ़ते थे हम, कि एक लाइन एक सेंटेंस दिया होगा उसको पढ़ के और नीचे ऑप्शन में से एक वर्ड चुनना होगा जिससे वो एक वर्ड से पूरी लाइन को हम डिस्क्राइब कर सकें। उसके बाद है सिलेक्टिंग वर्ड। इसमें क्या होगा, इसमें है ये होते हैं फिलअप, यानी कि फिल इन द ब्लैंक, कि एक सेंटेंस है उसमें एक फिल करने के लिए हमें ऑप्शन दिया होगा नीचे, और उसमें से चूज करके हमें एक फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। उसके बाद है सेंटेंस करेक्शन। इसमें क्या है, एक सेंटेंस दिया होगा उसको हमने करेक्ट करना है, कि इसमें हमें एक सेंटेंस दिया होगा जिसको हमने करेक्ट करना होता है। उसके बाद टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेसिस, हिंदी में इनको मुहावरे और लकौतियाँ बोलते हैं, जो हम सभी को पता ही है कि बस इंग्लिश में वो इडियम्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कॉमन एरर डिटेक्शन। इसमें क्या होगा, एक सेंटेंस के अंदर 2-3 कॉमन एरर दिए होंगे, वो हमने फाइंड आउट करने हैं और उनको बताना है कि इसमें से कौन से वाला एरर है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि वो कोई एरर नहीं होता, तो उसके लिए ऑप्शन दिया होता है नो एरर, वो हमने फिल करना होता है। उसके बाद है सेंटेंस कंप्लीशन। इसमें क्या होगा, एक हाफ सेंटेंस दिया होगा हमें और उसके आगे डॉट 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 किया होगा, ताकि जैसे कि हमें वो ऑप्शन में से करेक्ट जो जिस ऑप्शन से हम वो उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं वो पिक करना है वहां से। उसके बाद है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ये भी दोस्तों हमने बचपन में 5th और 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि मतलब डायरेक्ट बात कैसे बोली जाती है और उसका इनडायरेक्ट भी कैसे होता है, वो सब। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड, इसमें क्या होगा, हमें एक वर्ड्स दिए होंगे, उनको ऑर्डर में मेंटेन करना होगा कि पहले क्या आएगा, एक मीनिंगफुल लाइन सेंटेंस बनाना होगा कि पहले ये वर्ड आएगा, उसके बाद ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। तो इसमें मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इसमें क्या है। इस वर्ड वाले में क्या होगा, हमने वर्ड को ऑर्डर में लगाना है, और सेंटेंस वाले में क्या होगा कि सेंटेंस को हमने ऑर्डर में लगाना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। सॉरी उसके बाद बात करते हैं वर्बल एनालॉजी। ये क्या होते हैं, एक मतलब दो वर्ड्स दिए होंगे
जो आपस में को रिलेट करते होंगे, और वैसे ही हमें ऑप्शन में दिए होंगे वर्ड्स, और उनको आपस में मैच कराना है कि ये वाला जो रिलेटेड होंगे कुछ हद तक आपस में, वो वाला सेंटेंस फॉर्मेशन। इसमें भी यही है कि एक सेंटेंस दिया होगा, उसको हमने प्रॉपर फॉर्मेट में लगाना है, मतलब ऑर्डर लगा लो या एक सीक्वेंस में लगा लो, या फिर एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है। उसके बाद आता है कंप्लीटिंग स्टेटमेंट। इसमें हम एक हाफ स्टेटमेंट दी होगी, जिसको हमने नीचे से मतलब जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें से पिक करके उस सेंटेंस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। इसके बाद बात करते हैं हम चेंज ऑफ स्पीच की। इसमें क्या होगा कि जैसे हम कोई लाइन बोल कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो उसके बोलने के तरीके को चेंज कर देना, वो होता है चेंज ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माई नेम इज अमित एंड अमित इज माई नेम, मीनिंग दोनों लाइन सेंटेंसेस का सेम है, बट उसके बोलने का तरीका अलग लगा लो और उसकी जो हम स्पीच है वो चेंज कर देते हैं, ये होता है चेंज ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दें, सजेशन दें मुझे। थैंक यू।